हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एग्जामो. और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सो यस, वी आर बैक इन द सेशन वेयर वी यूज टू प्रैक्टिस GS questions. और इस समय जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है आपका CHSL का पेपर. कौन सा CHSL का पेपर? जो कि आपका अक्टूबर में हुआ. ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले एक आपके लिए रिमाइंडर है हमेशा की तरह कि अगर एग्ज़ाम हो आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, आपके किसी फ्रेंड ने जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको फटाफट से बोलिए और आप खुद भी कीजिए. ठीक है, या ओके. गुड मॉर्निंग आकाश, संजय, आदर्श, गुड गुड मॉर्निंग. चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे. और आज भी आपका जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो सेशन है वो एक्सप्लेनेटरी मोड में रखना है और कौन सा क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर के मोड में रखना है. तो एज यू कैन सी, टाइमर लगा हुआ है तो सेशन आपका क्वेश्चन आंसर मोड में रहेगा. क्यों रहेगा क्वेश्चन आंसर मोड में? क्योंकि क्वेश्चंस आपके इस तरह से हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, सो यस, फटाफट से सेशन को सभी शेयर कर दीजिए. गुड मॉर्निंग न्यू वर्ल्ड, मोहन, रिंकी, संजय, अली कमर, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. फटाफट फटाफट सेशन को सभी लोग शेयर करिए. एंड वी विल बी डूइंग 15th of October शिफ्ट 1. उस 15 अक्टूबर को पहली शिफ्ट जो हुई थी आपकी, उसमें जो भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे गए हम यहाँ पर वो कवर करेंगे. ओके, चलिए तो फिर लेट्स स्टार्ट. पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके 30 सेकेंड शुरू हो जाते हैं अब. यस सुशीला, गुड मॉर्निंग. नितीश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग. फटाफट फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए. संजय, एक बार ये खत्म कर लें हम GS, ठीक है, उसके बाद वी विल बी प्लानिंग फॉर दैट. ओके, धनंजय, SSC CGL एज काउंट 2021 हुई तो हमारा चांस गया, लास्ट चांस है. तो बताइए क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से फिर, है ना. वैसे भी लोग कहते हैं कि प्रिपरेशन और ज़िंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए कि जैसे आखिरी हो, तो आपका तो वैसे ही लास्ट चल रहा है अटेम्प्ट, है ना. यस राहुल मिश्रा जी, डेली होती हैं क्लासेस, बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो अब डिवाइसेस हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं, है ना. चलिए ओके, सो लेट्स सी क्या क्या आंसर यहाँ पर आ रहे हैं. 15% आंसर यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा. सवाल पूछ रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी. 91st Amendment Act 2003, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट. आप सभी को पता है हर राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कुछ परसेंट ऑफ मेंबर्स इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे, तो इसके लिए एक परसेंटेज फिक्स किया गया है, दैट इज 15%. यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारे करेक्ट आंसर्स मेरे सामने आ चुके हैं. ओके, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, NTPC की डेट्स आ गई हैं, है ना. सो सभी उस चीज़ को लेकर भी प्रिपेयर रहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली वहाँ भी हेल्प करेंगे. अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है. गुड मॉर्निंग आशीष. नहीं, मेरी पेड में नहीं आती है क्लास, ठीक है. CHSL 2019 में 26 मार्क्स आए विवेक आपके. ओके, कहाँ कमी रह गई विवेक? कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आप सॉल्व नहीं कर पाए? ओके, टाइम खत्म हो चुका है, आंसर बताइए. अली कमर का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा कोई और? एंड कीप शेयरिंग द सेशन, है ना, सेशन को शेयर करते रहिए साथ के साथ. सी आंसर आ रहा है और ए आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं. यहाँ पर सवाल पूछा है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा लॉन्च द स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट. स्वास्थ्य शक्ति, ठीक है, इट्स शक्ति.
इन जनवरी 2020 टू इंश्योर द, देखिए जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई भी योजना आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, तो ये जो स्वास्थ्य शक्ति प्रोजेक्ट इन्होंने लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ गोवा, तो इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों लेकर आए, क्या फोकस था, तो वेलनेस एंड वेलफेयर ऑफ द वुमेन, वुमेंस को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं गवर्नमेंट्स, तो बिल्कुल जो महिलाओं का स्वास्थ्य है, जो उनकी हेल्थ है और उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट लेके आया गया था, तो इसको नाम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ना कॉमन, जैसे आप यही देख लीजिए वेलनेस एंड वेलफेयर लगाया है, फिर रूरल मैन और वुमेन की बात हो गई है, क्या पता वो रूरल वुमेन कह देता तो आप करेक्ट करके आ जाते, है ना। अच्छा चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बेस्ट मोशन पिक्चर, ओके इसका इंग्लिश शायद मुझसे डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं सवाल बता देती हूँ कि जो मूवी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए कौन सी मूवी को ये अवार्ड दिया गया, ये आपको बताना है। आई थिंक आशीष अभी तो 2-3 दिन से जब से प्रॉब्लम ठीक करी है तब से तो बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है ना, आप एक बार रिफ्रेश करके देखो। चलिए इसका आंसर बताइए, जोकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, जोकर नहीं, देखो जोकर में क्या है जो उनको मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड, और ये सवाल भी आएगा ठीक है, बट नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आगे ठीक, उसके बाद 1970 ये मूवी है, उसने पूछा बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए कौन सी मूवी, तो मूवी यहाँ पर 1970 आएगी, ये मूवी भी नॉमिनेट की गई थी बट इन दोनों को छोड़ के 1917 को अवार्ड मिला है ठीक है। क्वेश्चन जोकर वाला भी आएगा, बिल्कुल पूछा गया है, आगे मिलेगा ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी जोकर देखी है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सवाल रिपीटेड है, इससे पहले जो शिफ्ट हुए उनमें भी ये सवाल पूछा गया था। धनंजय कैंपेन, देखिए मैं पार्टिसिपेट जरूर कर सकती हूँ कैंपेन में, लेकिन लीड सर कर रहे हैं ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कर रहे हैं डेफिनेटली, और जब भी आप कोई भी कैंपेन चलाते हैं या अपनी बात रखते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि वो वेट ही कर रहे थे कि नहीं नहीं जब आप आवाज़ उठाओगे तभी हम एक्शन लेंगे, है ना, एक पूरी प्रोसेस होती है, वो आवाज़ जाएगी ऊपर तक, फिर कितना इफेक्टिवली जा रही है ना, उसके बाद चीज़ें होना शुरू होती हैं और उन सब चीज़ों में वक्त लगता है ना, वो शाकालाका बुम बुम वाली नाम क्या था उसका, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पेंसिल की तरह काम नहीं होते, हम सब एक भ्रम में रहते हैं कि हम कुछ करेंगे और तुरंत चीज़ें हो जाएंगी, हम जब भी कोई शुरुआत करते हैं चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कोई मुहिम हो चाहे कोई कैंपेन हो, हमें ये समझना चाहिए कि चीज़ें टाइम लेती हैं, है ना, खाना बनने में भी तो टाइम लगता है ना, सो जस्ट हैव पेशेंस, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो आप और कुछ मत करो ठीक है। चलो तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट आपका करेक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैसे, द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं किसी भी वजह से तो वो किसको सौंपते हैं, वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 की बात हो रही है, झारखंड असेंबली के स्पीकर कौन इलेक्ट किए गए थे ये आपको बताना है, आपका टाइम शुरू हो जाता है अब। देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं सब झारखंड से किसी ना किसी तरह से रिलेट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं बात करेंगे, लेकिन अभी इस आंसर को आपको बताना है कि झारखंड असेंबली है उसके स्पीकर किसको इलेक्ट किया गया था। ओके बिल्कुल करवा देंगे प्रश्न जी, डोंट वरी, सेशन को शेयर करते रहिए आप सभी लोग। ओके बिल्कुल, देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका रविंद्रनाथ महतो, इनको इलेक्ट किया गया था एज अ स्पीकर ठीक है, और किसने नाम दिया था, चीफ मिनिस्टर ने नाम दिया था, कौन है, चंपई सोरेन, द्रौपदी मुर्मू ये कौन है, गवर्नर है, और अगर स्टीफन मरांडी की बात करें तो देखिए झारखंड में ना एक कह सकते हो एक कम्युनिटी कह दो आप या कुछ, मुझे एग्जैक्टली स्लिप हो रहा है नाम मेरे दिमाग से, तो ये उसके लीडर हैं ठीक है, मैं एक बार इसको चेक ज़रूर करूँगी बिकॉज दिस गॉट स्लिप इन माय हेड
जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आप में से किसी को पता है तो बताइए एक बार, है ना. हाँ, मुक्ति मोर्चा, वही मैं बोल रही थी ना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके लीडर हैं ये. ठीक है, तो बेसिकली रिलेटेड सब कहाँ से हैं, झारखंड से ही हैं. ठीक, अली कमर जी के इम्प्रूव करने का एक ही तरीका होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू करिए, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें, पहले इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके बाद आपको चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना. चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन डायमंड जुबली एडिशन ऑफ द सुब्रतो कप. आपके 30 सेकेंड स्टार्ट हो जाते हैं अभी. चलिए, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, बिहार से अलग हुआ था जो कि 46% पार्ट झारखंड में चला गया. ओके, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे की कहानी है. देखिए, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, आपकी एनटीपीसी की भी डेट्स आ चुकी हैं और आपका एसएससी का एग्जाम तो होना ही है, तो यू नीड टू बकल अप नाउ. मनीष, इसका मुझे देखना पड़ेगा, यूपीएसआई का, है ना. मैं इस एग्जाम में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, सो मैं एक बार देखूंगी, चेक करूंगी, देन आपको बता दूंगी. ठीक है, यू कैन रिपीट दिस क्वेश्चन टुमारो एज वेल सो दैट आई कैन आंसर. ओके, चलिए, 6 का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिजोरम सेदान सेकेंडरी स्कूल है जिसने ये सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर सब जूनियर बॉयज अंडर 14 जाते हैं ये. ठीक है, ये जीता था, डायमंड जुबली एडिशन है, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट देखें अगला सवाल, और आपका टाइम शुरू होता है अब. सवाल छोटा है तो आप खुद रीड करेंगे और खुद आंसर करेंगे. ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा याक. ठीक है, लायामा भी आंसर आ रहा है, बट लायामा इज नॉट द करेक्ट आंसर. देखिए, ब्लॉक जो आपके बैल होते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, आपका जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर खेती के लिए जैसे हल जोता जाता था खेतों में ना पहले, तो बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर सामान इधर से उधर ले जाने के लिए भी बैलों का इस्तेमाल किया जाता था. कैमल आपका डेजर्ट जो फील्ड्स होते हैं उनमें, रेगिस्तानों में इस्तेमाल किया जाता है, बट तिब्बत में अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो याक का इस्तेमाल किया जाता है. यस, गुड मॉर्निंग पूजा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर अगला सवाल, और 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं अब. यहाँ आंसर आने शुरू हो चुके हैं, सो लेट्स सी. सवाल पूछा, टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको यहाँ पर देखना है. तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा हिमाचल प्रदेश. प्रेसिडेंट ने शिमला में, हिमाचल प्रदेश में भी जगह है शिमला, वहाँ पर ये इन्होंने इनॉग्रेट किया था, और ये वहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऑल्सो डिलीवर्ड द फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल लेक्चर. तो इसका पूरा नाम अगर आप देखोगे तो टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज IIAS. ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला के अंदर इन्होंने इनॉग्रेट किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट. ओके, ये सवाल
एनालिसिस में किसी स्टूडेंट ने भेजा था कुछ इस तरीके से कि आइडल क्रॉप फॉर हिज फील्ड, कि कौन सी जो फसल है उसके लिए सैंडी सॉइल जो होती है वो परफेक्ट होती है. ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया था कि रॉबर्ट हैज सैंडी सॉइल इन हिज फील्ड, कोई पर्सन है रॉबर्ट, उसका जो खेत है उसके जो खेतों की मिट्टी है वो रेतीली है, तो वो कौन सी फसल उगा सकता है ना. तो यहाँ पर आपको चार फसलों के नाम दिए गए हैं. आशीष का आंसर आ चुका है, बाकी सारे लोग. आप लोगों को देख के लग ही नहीं रहा कि आपकी एनटीपीसी की डेट आ गई है या आपका कोई एग्जाम है ना. चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, पर आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये आपके हाथ में है ना. चलो, तो आंसर क्या आएगा, कॉर्न. जो कॉर्न है उसके लिए जो रेतीली मिट्टी होती है दैट इज सुटेबल, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है आपका, आपकी स्क्रीन पर 30 सेकेंड्स, आंसर करिए फटाफट से. देखिए सब एक तरीके से आपके मूवमेंट्स हैं, आंदोलन है, तो किसी ना किसी चीज़ को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट से आपका कनेक्ट करने के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं. देखिए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा इसका, फटाफट फटाफट आंसर करिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए. आप सोचिए अगर आपकी तरह मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ फिर कैसा होना. बिल्कुल एकदम सुस्त आपकी तरह. चिपको मूवमेंट आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. देखिए पर्यावरणीय आंदोलन जो भी मैं बोल रही हूँ, आपके जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं वो यूजुअली आपका जो एनवायरमेंट है उसको सेव करने के लिए चलाए जाते हैं. जैसे कि एक टाइम पे पेड़ों का कटना शुरू हुआ तो चिपको मूवमेंट चलाया गया. ठीक है, लोग क्या कर जाते थे, हग करके पेड़ों को खड़े हो जाते थे है ना, तो ताकि लोग उन्हें काट ना सके. ओके, अब जैसे टहरी डैम का है, तो टहरी डैम से भी काफ़ी दिक्कतें हुई, लोगों ने काफ़ी मूवमेंट चलाए, बट डैम बना और उससे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट भी मिली है ना लोगों को. इसी तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन चला और सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चला, तो ये सब आपके एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं. सो दैट ज़्यादा एनवायरमेंट को, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो एम्बिशंस हैं, वो हर्ट ना करें. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, टाइम आपका शुरू हो जाता है अब. और ये सवाल आपसे पूछा गया है इकोनॉमी से, कह सकते हो आप काइंड ऑफ. मैं ऑफलाइन पढ़ाती तो कैसा रहता, ऑफलाइन पता नहीं. हाँ जी, कीप शेयरिंग द सेशन और सेशन को लाइक करते रहिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो. लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है एनवीएन पाटेकर के द्वारा. अच्छा, मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप, आरबीआई. ओके, लेट्स सी क्या आंसर आएगा इसका. मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकलती है, याद है कि नहीं याद है, करंट अफेयर में आता है. तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, आ जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करता है कितना आपका रेपो रेट जाएगा, कितना आपका रिवर्स रेपो रेट जाएगा, कितना आपका सीडीआर जाएगा, है ना. तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एसएलआर कितना बनेगा, ये सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करता है. ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपके 30 सेकेंड्स ये रहे आपके पास. कीप शेयरिंग द सेशन और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहिए. दिल्ली पुलिस, राजेंद्र आप मुझे एक दो दिन का टाइम दीजिए, बिकॉज एक्चुअली मैं जो पुलिस वाले एग्जाम्स हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और मैं आपको ऐसे ही कुछ बोलना नहीं चाह रही है ना. तो एक बार मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगी बिफोर आई विल सजेस्ट यू समथिंग और आई विल गिव एनी एडवाइस टू यू. उससे पहले मैं एक छोटा सा रिसर्च का टाइम लेना चाह रही हूँ इस पर है ना, देन आई टेल यू कि किस तरह से क्या करना है. ओके, चलिए तो यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनीज. एक सवाल पूछा गया था किडनी से हार्ट की तरफ, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने किया था ये. अब पूछ रहे हैं वो हार्ट से किडनी की तरफ, तो यहाँ पर सवाल है
ऑप्शन रेनल वेन, कॉर्नरी आर्टरी, वेना कावा या फिर रेनल आर्टरीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि रेनल आर्टरी। जो आपकी आर्टरी है, रक्तधमनियां हैं, वो आपका जो ब्लड है वो हार्ट से किडनी की तरफ लेकर जाती हैं। क्लियर इतनी बात? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विद द 30 सेकेंड टाइमर। क्लास मेरी रोज सुबह 10 बजे होती है, ठीक है? कुछ अराउंड 40 मैक्सिमम मिनट का सेशन होता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। ऑल राइट, टाइम यहां पर ओवर हो चुका है। आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। ओके, किडनी से हार्ट के लिए आपके जो आर्टरीज नहीं लेके जाती, जो रेनल वेन होते हैं वो लेके जाते हैं, शिराएं जो होती हैं, ठीक है? चलो, इसका सवाल का आंसर बताइए, कितने लोगों ने आंसर किया? जेडी आंसर आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। जेडी वैक्सीन आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है? बाकी के जो वैक्सीन्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जेडी वैक्सीन भी पूछा नहीं जाएगा, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको बस पढ़ लो और छोड़ दो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देखिए मैंने जो आपको बोला था, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा, ठीक है? ये सवाल है जो कि जोकर मूवी के एक्टर हैं उनको मिला था। अब उन एक्टर का नाम क्या है, बस आपको इतना बताना है, बाकी सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है? जीएस के लिए मैंने कल भी बुक बताई थी, ल्यूसेंट करो, लेकिन ल्यूसेंट कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से करोगे, ठीक है? ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं फिर आपको बता रही हूँ, ठीक है? चलिए, 14 का सी आंसर आ रहा, बिल्कुल, जॉकिन फॉनिक्स यहाँ पर एक्टर हैं जिनको जोकर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर अवार्ड मिला था, ठीक है? कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लोब 2020। क्लियर इतनी बार? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये सवाल भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आंसर करके मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर आपका आएगा, ठीक है? एंड कीप शेयरिंग द सेशन, जगाओ जो लोग सो रहे हैं। चलिए, लेट्स मूव टू द आंसर। ये पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सरोजनी नायडू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, यानी कि इनको कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस सेशन का जो प्रेसिडेंट है वो कब बनाया गया था? तो 1925 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो इनके स्वराज के आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था, ठीक है? अच्छा, इनसे पहले कौन था अगर हम बात करें तो, ये भी पढ़ा था हमने, ध्यान है आपको? नहीं ध्यान है, जल्दी से बताओ, लेट्स सी, याद है कि नहीं याद है? 1925 सरोजनी नायडू जी से पहले कौन था? अगला सवाल भी स्क्रीन पर आ चुका है, दो क्वेश्चंस हैं आपके हाथ में जिनका आंसर आपको करना है। करिए करिए, आंसर करिए फटाफट फटाफट।
चलिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका 101. जीएसटी वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट वाइट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बहुत पुरानी बात नहीं है, सबको याद होना चाहिए ये. बाकी के आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है. दिस इज़ योर होमवर्क. और कल वाल आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है वो कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई क्यों नहीं करते. आप एक चीज़ को इस तरह से समझिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, रिफ्रेश कर लो, ठीक है. आपका जो रिजोल्यूशन होगा क्वालिटी का वो आउट ऑफ 144 या 240 पे चला गया होगा, उसे 7 पर लेके आ जाओ, 790 पर, ठीक है. अब एक चीज़ समझो मेरी बात, अगर मैं आपको क्वेश्चन रेंडमली कराना शुरू कर दूं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना कराऊं, तो क्या ये सेशन आपके लिए किसी भी तरीके से इंटरेस्टिंग होगा? नहीं होगा. तो फिर आप लोग होमवर्क को रिप्लाई क्यों नहीं करते? हाउ विल आई नो कि आप लोग चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं या आपके बेनिफिट के जैसी हैं भी चीज़ें या नहीं हैं? सो आपको भी तो साथ में एक्टिव रहना पड़ेगा ना. ओके, हाँ तो अब एग्जाम हो गए ना आपके, सीपीयू का एग्जाम हो गया ना आपका, तो फिर से वापस से एक्टिव हो जाओ. चलिए, यहां पर आंसर आएगा आपका 8. एक बाइट की अगर हम बात करें तो उसमें कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं. 4 बिट कौन बोल रहा है भाई? रीजनिंग पेपर भी करा देंगे सॉल्व. चलिए, चैनल तो है मेरा टेलीग्राम चैनल और इसी नाम से है, ठीक है. ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप्स. अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, हार्डवुड ट्रीज. अगला सवाल आंसर करिए. रेस्ट जिंदगी में होना भी चाहिए, नहीं चाहिए. लाइफ नेवर रिजेंबल टू द रेस्ट. करिए आंसर करिए. ओके, सी आंसर आ रहा है यहाँ पे, ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट, यानी कि जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पर. कौन सी? जो आपकी फर्नीचर वुड्स होती हैं, जैसे साल की लकड़ी होती है, टीक की लकड़ी होती है, जैसे सागौन भी बोला जाता है, नीम हो गया आपका, शीशम हो गया. तो किस किस ने देखे ये वाले पेड़ ज़रा बताओ, गाँव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, है ना. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका टाइमर. गांव में सब मिलेंगे आपको, सागौन और आपका नीम तो ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएगा वैसे भी, और जो आपका शीशम का पेड़ होता है ना. टाइम खत्म हो चुका है. एज ऑफ 15 जनवरी 2020 पूछ रहा है वो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नंबर वन रैंक्ड विमेन टेनिस प्लेयर इन WTA रैंकिंग. सुनील, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था रीजनिंग में कराऊंगी, लेकिन एक बार जीएस को खत्म करेंगे फिर कराऊंगी, ठीक है. यहां पर आंसर आएगा आपका क्या? सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिशकोवा, या फिर एशले बार्टी, या फिर सिमोना हालेप. बताइए, आंसर देना बंद कर देते हो और बाकी की चीजों में लग जाते हो. एशले बार्टी, एक दो लोगों का आंसर आया यहाँ पर, बिल्कुल एशले बार्टी विल बी द करेक्ट आंसर. 20 क्वेश्चन देखिए, बात नहीं करेंगे अब बिल्कुल भी आपसे, आप लोग भावनाओं में बह जाते हो, ठीक है. करिए इस क्वेश्चन को आंसर करिए फटाफट फटाफट.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड इज सिमिलर टू रैम. इट इज यूज बाय कंप्यूटर्स टू मूव डेटा बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू. क्लीन करते रहते हो बैठ के ये सब. बताओ कौन सी मेमोरी होती है. और इसको प्रोनाउंस करने में सबसे बड़ी गलती करते हैं सभी लोग. जल्दी से बताइए. आंसर आया किसी का? हाँ जी बिल्कुल. यहाँ पर कैश विल बी द करेक्ट आंसर. कैश कैश मनी वाला कैश नहीं. दिस द मेमोरी इज कॉल्ड. इसे कभी कभी कीशे बोल देते हैं, कभी कैशे बोल देते हैं. बट द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कैश. तो ये जो है आपकी सीपीयू और रैम के बीच में जो डेटा जाता है वो कनेक्ट करती है. ठीक है. अब यहाँ समझो ये आई बीम का क्या चक्कर है ना, ये आपको बताना है. जल्दी बताओ. आई बीम हाइपर टेक्स्ट लिंक सबको पता है. रोम रीड ओनली मेमोरी सबको पता है. बट आई बीम का किस किस को पता है? जल्दी से बताइए. देखो लैपटॉप यूज करते हैं सभी लोग और कभी कभी कर्सर ना इस फॉर्म में दिखाई देता है आई की तरह. इसको क्या बोलते हैं? आई बीम बोलते हैं. क्लियर इतनी बात. चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने. और ये सवाल मैं आपको कम से कम 3-4 बार करा चुकी हूँ. अलग अलग लेयर पूछता है. चलिए बताइए आंसर बताइए. कौन सी लेयर है जो पृथ्वी से सरफेस से शुरू होकर ऊपर तक कितना एक्सटेंड होती है? 8 to 14.5 किलोमीटर. ठीक है. ये आपका कहना है ऐसा कि दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द डेंसेस्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल वेदर इन दिस रीजन इज एग्जिस्ट. तो ठीक है आप यहाँ पर देखो ट्रोपोस्फेयर एक आंसर आया है मेरे पास. और कोई भाई और किसी की श्रद्धा आंसर देने की? मोहम्मद महबूब आलम ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फेयर. ओके चलिए इसको इमेज से समझ लेते हैं. आप लोगों को फिर से इमेज दिखा देती हूँ मैं. ये आपकी इमेज है और देखिए यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है ये आपका पूरा ये वाला जो पार्ट है ये आपका अंडर 10 किलोमीटर तक आपका पड़ेगा. 10 से 20 किलोमीटर के बीच में ये पूरी जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये 10 to 20 किलोमीटर के बीच में तभी बोला है उसने 14.5. ठीक है. सो ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर. डेंसेस्ट होगा ही ऑब्वियसली. यहीं पे सारे क्लाउड्स होते हैं, सारे आपका जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एवरीथिंग विल बी हियर ओनली. आपके मौसम के जो चेंजेस हैं सब यहाँ पे आपको मिलेंगे. अगला सवाल आपके सामने आ चुका है. दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी गांधी जी ने, ये आपको बताना है. इससे पहले जो हमने सवाल पढ़ा था वो पढ़ा था देश बंधु के बारे में. किसके बारे में? देश बंधु. तो ये दोनों आंसर करने हैं आपको. पुराना वाला आपका रिवाइज हो जाएगा और नया आपको याद हो जाएगा. यस गुड मॉर्निंग पंकज. ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर. गलत आंसर है. और कोई कोशिश करना चाहें अगर? सी एफ एंड्रयूज आदर्श का आंसर आया है. करेक्ट है. और कोई? चलो तो मैंने बोल ही दिया करेक्ट है. यस ये तो हैं दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज. इनको जो उपाधि दी थी गांधी जी ने वो किसकी दी थी? दीन बंधु की उपाधि दी थी. लेकिन देश बंधु किसको बोला गया था ये हमने बताया था आपको. अब्दुल गफार खान कैसे आएगा? अब्दुल गफार खान को तो सीमांत गांधी बोला जाता था. हाँ बिल्कुल मोहम्मद महबूब आलम का आंसर आ चुका है. देश बंधु बोला गया चितरंजन दास जी को. किसको बोला गया? चितरंजन दास. ठीक है चलिए
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 ओडीआई से रिलेटेड है. इससे पहले हमने ओडीआई नहीं पढ़ा था, है ना? इससे पहले हमने पढ़ा था लेकिन ओडीआई नहीं पढ़ा था, T20 पढ़ा था. तो T20 में जो टीम की रैंकिंग थी वो डिफरेंट थी, और यहाँ पर बात हो रही है ओडीआई की. तो अब आपको बताना है ओडीआई पे कितना, कौन सी टीम फर्स्ट रैंक की थी. इंग्लैंड आंसर आया है आयुष का सबसे पहले, और कोई 23 का बी इंग्लैंड. एनीबॉडी एल्स? देखो ये इंग्लैंड थी और अभी भी इंग्लैंड ही है, अगर आप देखोगे जाके तो रैंकिंग्स में ना. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आ गया आपका सिंगिंग में, यानी कि आपका आर्ट एंड कल्चर से सवाल है. दशकठिया इज अ फॉर्म ऑफ बलार्ड सिंगिंग प्रीवेलेंट इन कौन से स्टेट की है, ये कौन से स्टेट में प्रचलित है बताइए. ट्वेंटी फोर का डी आंसर आया है, और कोई भाई? मोहम्मद महबूब आलम का सबसे पहले आंसर आया. एनीबडी एल्स? सी आयुष कह रहे हैं. सी नहीं, सी नहीं आएगा. करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही होगा, उड़ीसा. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 25, और इस बार उसने पूछा है विमेंस ओडीआई के बारे में. तो विमेंस ओडीआई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसको मिला. ये सभी यहाँ पर कौन है, क्रिकेटर्स हैं, पर इनमें से कोई एक है जिसको ये अवार्ड दिया गया. ये देखिए, ये आपकी थाई क्रिकेटर है, थाईलैंड से. ठीक है, एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया, स्मृति मंदाना इंडिया, और एलिस पेरी, ये आपको बताना है कहाँ से हैं, जल्दी से बताइए. सब कुछ आपको पका पकाया मिल जाता है ना. बताइए बताइए आंसर बताइए. हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ही है. ठीक है, चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका आएगा एलिस पेरी. लेट्स मूव टू द व्हाइट स्लाइड, जहां पर मैं एक बार आपको, नहीं इन सबको अवार्ड नहीं मिला है, ये एक ही को मिला है, बट मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्री से हैं. ठीक है, चलिए तो यहां पर आपके लिए 10 बजे क्लास होती है डेली, डेली एज इन मंडे टू फ्राइडे. ठीक है भाई, और मॉर्निंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है इस चीज़ से. तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स मिल जाती है, एग्जामो ऑफिशियल से भी ले सकते हैं आप, है ना? और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ्स ले सकते हैं, दोनों जगह आपको मिल जाएंगी. ठीक है, ये सब क्या हैं, आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं. और कोई सवाल किसी को पूछना हो तो, सेशन के बीच में बहुत सवाल आते हैं और उस टाइम मुझे किसी को आंसर करना नहीं होता. ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है. यो वेलकम मोहम्मद आलम जी, बहुत बढ़िया. अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को लाइक करते रहिए. यस बिल्कुल, फ्राइडे टेस्ट रहेगा. तो टेस्ट तो अब ये समझ लो कभी भी मिल सकता है, रीजनिंग की कहानी नहीं है, अब जीएस की कहानी है. और जीएस का टेस्ट मैं रैंडमली कभी भी ले सकती हूँ. आज भी एक तरह से टेस्ट ही था, क्योंकि क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं थी. डाउट सेशन बताएं, डाउट ग्रुप में बना तो लूँ, लेकिन मैं अगर आंसर ही ना कर पाऊँ डाउट ग्रुप में तो उसे बनाने का क्या मतलब है, इसलिए मैंने बनाया नहीं. एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा? एनटीपीसी की कल तो डेट्स आई हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप चेक करो कब है आपका एग्ज़ाम, है ना? चलिए, सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, बाकी कुछ नहीं रखा जिंदगी में. चलो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं वापस 10 बजे.